नमस्कार वन इंडिया, हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चुंदेल। उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि अगले 48 घंटे में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ सकता है और दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश के आसार हैं, जिससे पारा गिरेगा। विभाग ने कहा है कि इस दौरान शीतलहर भी देखने को मिलेगी। IMD ने दिल्ली, UP, बिहार, MP, हरियाणा और पंजाब में बारिश की आशंका व्यक्त की है, इसलिए उसने यहां अलर्ट जारी किया हुआ है। बारिश का ये सिलसिला 4 से 5 फरवरी तक जारी रहने वाला है। दरअसल उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में फरवरी महीने के शुरुआती दिनों में ही ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सर्दी और कोहरे की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 से 4 फरवरी को बारिश होने का अनुमान जताया है। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन तक बारिश हो सकती है। जम्मू और शिमला समेत कई इलाकों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की आशंका है। साथ ही दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान से लेकर बिहार, उड़ीसा और बंगाल तक कोहरे का प्रकोप भी परेशानी बढ़ा रहा है। घने कोहरे के कारण एक तरफ जहां सड़कों पर गाड़ियों की गति धीमी हो रही है, वहीं ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग रहा है। इसके अलावा फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक कोहरे के कारण दिल्ली की 15 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में अगले कुछ दिन सुबह शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में बंगाल में कोहरे से मामूली राहत मिल सकती है, जबकि 3 फरवरी से बंगाल के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक जा सकता है। सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रह सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं चंडीगढ़ में आज का मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कल और परसों चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है, जबकि आज बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें, IMD ने हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में भी बर्फबारी और ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रहा है, इस वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में 3 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है, तो वहीं उत्तराखंड, कश्मीर में आज और कल बारिश और ओले गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही वन इंडिया हिंदी के साथ।